नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक बाल भारती का पहला पाठ पूर्वानुभव, जिसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया है मैं के बारे में। मैं मतलब क्या बच्चों, कि हम अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। पहले भी मैंने बताया है उस वीडियो में, वीडियो के द्वारा आप लोग को समझ गया होगा कि उसमें हमारी पसंद, हमारे नाम अलग अलग हैं और हम दिखते भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, जिससे लोग हमें अलग अलग नामों के द्वारा पहचानते हैं। तो बच्चों ठीक उसी तरह यहाँ पे खुशी ने अपना वर्णन दिया है और आनंद ने अपना, कि खुशी को क्या पसंद है, खेलना पसंद है, और आनंद को गाना पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप अपना चित्र बनाएंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ठीक उसी तरह आपको अपनी नोटबुक में, कापी में भी मैंने यह करा दिया है, मैं खुशी हूँ, यह मैंने खुशी का नाम लिखा है, परंतु यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। नाम लिखकर उसका अभ्यास कीजिए पूरे एक पेज पे। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, तो ठीक उसी तरह देखते देखते आपको पूरे पेज पर लिखना है। ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, और आपको क्या पसंद है उसकी भी, वो भी ऐसे ही लिखना है, मुझे खेलना पसंद है। किसी को गाना पसंद है ना, कोई कोई कह सकता है कि मुझे गाना पसंद है, मुझे नाचना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है। तो जिस हर एक की पसंद अलग अलग होती है। मुझे चित्र बनाना पसंद है, मुझे कविता गाना पसंद है, मुझे गिनती लिखना पसंद है। तो ठीक उसी तरह सब लोग अपने अपने अलग अलग पेज पे, एक एक पेज पे यह अपनी पसंद, अपने नाम और पसंद लिखकर मुझे दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरा नाम, जैसे मैंने अभी इस किताब में देखा ना आपने, ठीक उसी तरह यहाँ पे मेरा नाम लिखकर अपना नाम लिखना है बच्चों। मेरे विद्यालय का नाम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे विद्यालय का नाम क्या है। अभी आप लोग अपने विद्यालय, अपने स्कूल आते थे ना, तो आपके स्कूल का नाम क्या है। तो हमारे स्कूल का नाम है बालादीन हिंदी हाई स्कूल, बालादीन हिंदी हाई स्कूल। इसका भी हम अभ्यास कई बार लिखकर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो एक एक एरो का निशान बनाया है। आप अपने अलग से ऊपर पेज पर नाम लिखना स्कूल का, और नीचे उसे देख देख कर ठीक कॉपी कर लेना, देख देख कर लिख लेना, तो इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। मेरे विद्यालय का नाम बालादीन हिंदी हाई स्कूल है। ठीक है, ऐसे करके हम लिख लेंगे। और बच्चों दूसरा, जो हमने पहला दिन, हमारे विद्यालय का पहला दिन, यह पार्ट भी, इसका भी मैंने वीडियो आप लोग को भेज दिया है। हमारे विद्यालय के पहले दिन में हमने क्या क्या देखा, वहाँ पे हमारे शिक्षक हमारा स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, और हम अपने विद्यालय के पहली कक्षा के कक्ष में की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर कई प्रकार की पार्टियाँ लगाई गई हैं। स्वच्छता गृह यानी टॉयलेट के लिए इस तरफ जाना है, ये डिजिटल कक्ष है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर रखा जाता है। स्वच्छता रखो, यह हमारे लिए, यह पार्टी किस लिए है कि विद्यालय में साफ़ सफाई रहनी चाहिए, कचरा नहीं फेंकना है। और यहाँ पर कई पार्टियाँ, कई प्लेट्स ऐसे भी लगे हैं, देखो कतार में चलो, यानी बच्चों कतार लाइन में हमेशा चलना चाहिए। पढ़ो और बढ़ो, जल है तो कल है ना, पढ़ेंगे तभी तो आगे जाएंगे, जल है तभी तो कल है, जल है तो कल है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, यदि पानी है हमारे जीवन में तभी हम आगे और जी सकते हैं, कि नहीं, जल रहेगा तो ही हमारा कल बनेगा। ठीक है, दाएं बाएं देखकर चलो, हमें कभी भी चलते समय भी दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, रोड क्रॉस करते समय भी हमें दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। अनुशासन बनाए रखो, तो बच्चों अनुशासन यानी क्या, कि विद्यालय में हमें अनुशासन बनाए रखना है, समय पर आना है, समय पर जाना है, कक्षा में पढ़ाई करते बैठना है, खाने के वक्त में ही खाना खाना है, इस प्रकार से कई बातों का ध्यान हमें रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, जो कि मैंने इस कापी में लिखकर उन प्लेट्स के ऊपर लिखकर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि पहली कक्षा, ये जो प्लेट है, ये तो तुम्हारे इस चित्र में यहाँ पर दिया गया है। अब डिजिटल कक्षा, ठीक है, कक्ष है, सॉरी, यहाँ पर डिजिटल कक्ष, स्वच्छता गृह, कतार में चलो, पढ़ो और बढ़ो, जल है तो कल है, दाएं बाएं देखकर चलो, अनुशासन बनाए रखो, स्वच्छता रखो। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें
हमारी कापी में लिखकर अभ्यास करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, कक्षा लिख दिया था मैंने, कक्ष है, डिजिटल कक्ष है। तो इस तरह से हमें ये पूरा करना है कापी में लिखकर। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे बच्चों, और ये मैं आप लोगों को भेजने वाली हूँ फोटो निकाल कर, जिसके द्वारा आप अपनी कापी में, एक लाइन की कापी में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।